हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप जो है कोई भी फ़ोटो की जो क्वालिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं, आप जो है उसका साइज़ भी कंप्रेस कर सकते हैं और फ़ोटो की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, कोई इमेज है जिसमें आपने किसी डॉक्यूमेंट को कैप्चर किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसे ईजिली स्कैन कर ले बिना किसी स्कैनर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, तो आज इस वीडियो में हम वही चीज़ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल रखी हुई है। तो मेरे पास जो फ़ाइल है मेरी डाउनलोड्स में रखी हुई है, ये देखिए, मैं इस फाइल को आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने कैप्चर किया हुआ है अपने फ़ोन से, लेकिन ये अभी एक नॉर्मल फॉर्म में है और मैं चाहता हूँ कि ये एक स्कैन्ड फॉर्म बन जाए या स्कैन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए जैसा कि आप स्कैनर से करते हैं, और उसके लिए मुझे कोई स्कैनिंग ऐप का भी इस्तेमाल ना करना पड़े जैसा कि हम प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशंस जो अवेलेबल है उनके थ्रू स्कैन कर लेते हैं, या ना हमें कोई ऐसे स्कैनर की ज़रूरत पड़े जो हम बाहर शॉप्स पे जाकर के स्कैन करवाते हैं, तो हम डायरेक्टली कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप किसी भी फ़ोटो को जो है ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से, और उसमें उसका जो साइज़ है वो 90% तक कम हो जाएगा और फ़ोटो की क्वालिटी पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें भी हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। आपको सबसे पहले इस फ़ोटो पे जाना है जो आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए है, अगर आप इसे स्कैन करना चाहते हैं तो। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विद, और यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद ये ओपन अप हो जाएगा। ये देखिए, ये फाइल ओपन अप हो गई है और ये अभी उसी फॉर्मेट में हमें दिख रही है जिस फॉर्मेट में ये पहले दिख रही थी। अब हम इसी फाइल को जो है स्कैनिंग करना चाहते हैं इसकी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास कोई भी फाइल आ जाएगी तो आप सबसे पहले एडिट पिक्चर्स पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसको प्रॉपरली पहले क्रॉप कर लीजिए जिस पोर्शन को आप स्कैन करना चाहते हैं। तो क्रॉप पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सिर्फ वही पोर्शन सिलेक्ट करते हैं जिसे हम स्कैन करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये पोर्शन जो है सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, सिर्फ इतने ही पोर्शन पर जो है मुझे स्कैनिंग करनी है। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए, ओके कर दिया है, ये पोर्शन हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद फिर से आप एक बार एडिट पिक्चर्स पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आप एक बार जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो करेक्ट, इस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। इसमें ये जो भी आपकी फ़ाइल होगी उसको जो है ऑटोमेटिकली एक बार करेक्ट कर देगा या स्कैन कर देगा। तो चलिए एक बार इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये एक फॉर्मल स्कैनिंग इसमें अभी हो गई है। अब आप ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे जा कर के इसमें अपने हिसाब से मैन्युअली कुछ चेंजेस जो करना चाहते हैं, जो कि स्कैनिंग में भी होते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्लियरली देख पाएंगे कि आप कैसे क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तीन ऑप्शन है आपके पास, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड मिड टोन। तो आप एक एक करके इनको जो है सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली स्कैंड जो है हो जाए। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा के देखता हूँ। ये देखिए, ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसे कम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से आप कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस को शायद थोड़ा और कम करना होगा। ये देखिए, यहाँ से आप मिड टोन को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आप स्कैनिंग चाहते हैं। तो ये देखिए, अभी जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है ये प्रॉपरली स्कैन्ड दिख रहा है। इसके बाद आपको सिंपली इस फाइल को क्लोज करना है, और क्लोज करने से पहले ये पूछेगा चेंजेस आपको सेव करने हैं या नहीं, तो आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फाइल जो आपने स्कैन करने के लिए रखी थी, ये फाइल जो है अभी स्कैन हो चुकी है। आप इसको एक बार ओपन अप करके देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं एक प्रॉपरली स्कैन फाइल की तरह ये जो फाइल है अभी लग रही है। तो
तो इसी तरीके से आप जितनी भी फाइल्स आपके पास है आप उनको जो है स्कैन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी जो एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप जो है कई सारी मल्टीपल फाइल्स को जो एक साथ कंप्रेस कर सकते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है कि कैसे आप मल्टीपल जो फाइल्स हैं उनको एक साथ स्कैन कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर के। थैंक यू सो मच।